कार्तिक महात्यम का पांचवा अध्याय। नारद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, कार्तिक मास का कोई अन्य सुंदर व्रत कहिए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, विधिवत जो परम पवित्र और पाप नाशक नक्त व्रत है, वह सौभाग्यवती स्त्री को अवश्य करना चाहिए। नारद जी ने प्रश्न किया कि हे ब्राह्मण, उस व्रत की क्या विधि है और कब करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, तुम्हारे स्नेहवश यह अति गुप्त कार्तिक मास का व्रत कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। आश्विन शुक्ला पूर्णमासी को प्रातःकाल उठकर सोज आदि से निवृत्त होकर दंत मंजन आदि करके नदी संगम, नदी सरोवर, दबे कुंड, कूप या घर में स्नान करें। व्रत के एक दिन पहले से सिर न धोवें तथा व्रत वाले दिन विधि पूर्वक स्नान करके पवित्र मन से विधाता का स्मरण करें तथा व्रत का संकल्प करें और कहें कि हे जगत के कर्ता, आप मेरे पति की रक्षा कीजिए, मेरी संतान की वृद्धि करिए। मंत्र पढ़कर सूर्य को प्रणाम करें और सुंदर वस्त्र तथा आभूषण आदि को धारण करें। दिन के समय भोजन न करें, न ही जल पीवें, अर्थात भजन आदि में सारा दिन बिता देवें। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, सायंकाल को हमारा यानी ब्रह्मा जी का पूजन चांदी के पात्र में दूध डालकर करें। सोना, चांदी, तांबा या मिट्टी की हमारी मूर्ति बनावें, उसको लाल वस्त्र पहनावें और विधि पूर्वक हमारा पूजन करें और चांदी के पात्र में रखे हुए सोने को की मथानी से मथें। साथ ही यह प्रार्थना करें कि हे ब्रह्मा जी, मुझे भोग आदि के लिए गो प्रदान करके मेरी संतति को बढ़ाओ तथा मेरे पति को धन धान्य युक्त और चिरंजीव करो। बहुत से दास तथा दासी गण प्रदान करो। इसके पश्चात ब्राह्मण को भोजन करावे और कुल के वृद्धों तथा वृद्धाओं को स्वादिष्ट पकवान से तृप्त करें और स्वयं भी तारों को देखकर भोजन करें। यह अश्विन शुक्ला पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का नक्त व्रत होता है। यह व्रत सब प्रकार के पापों को नाश करने वाला है, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा ज्ञानी पुरुषों को मुक्ति देने वाला होता है। भगवान जप, तप तथा तीर्थ स्थान से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने इस व्रत से प्रसन्न होते हैं। सो हे ब्रह्मा जी के आगे इस दिन कपूर जलाता है, उसको बड़े बड़े वृक्षों तथा गोदान का फल मिलता है तथा उसके कई एक कुल वैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं, जो केसर तथा कस्तूरी सहित कर्पूर अर्पण करता है, उसके कई वंश ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो स्त्री इस दिन वस्त्र का दान करती है, वह कपड़े के सूत्रों के तारों की संख्या के बराबर करोड़ वर्ष तक वैकुंठ में वास करती है। जो गहने का दान करती है, उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो स्त्री हृदय में ब्रह्मा जी का रूप तथा मुख से ब्रह्मा जी का नाम लेती है, माथे पर निर्माल्य धारण करती है, वह सदैव पतिव्रता रहती है। इस प्रकार आश्विनी शुक्ला पूर्णमासी को स्नान, पूजन, ब्राह्मण भोजन, वृद्धजनों का पूजन करती और सायंकाल को ब्रह्मा जी का पूजन करती है और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती है कि ब्रह्मा जी, यह व्रत मैंने आपको निमित्त किया है, इसमें यदि किसी प्रकार की कोई कमी हो तो उसको आप पूरा कर लेना। जो कोई इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, उसको भी अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है।